आखिर किसे नहीं होता अपने घर सजाने का शौक। टीवी के सितारे भी हैं इसके शौकीन। आज हम जिनकी आपसे करा रहे हैं मुलाकात, उनकी पेंटिंग्स देश विदेश में लोगों को बेहद आ रही हैं पसंद। यहाँ तक कि अपने टीवी के कई सितारों की ये फेवरेट आर्टिस्ट हैं। चलिए फिर मुलाकात कीजिए अंजलि जैन से, जिनकी पेंटिंग्स की टीवी सितारे भी हैं दीवाने। कहते हैं जिसे शिद्दत से पाना चाहो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। आर्ट एक ऐसी फॉर्म है। हमारे साथ अंजलि जैन मौजूद है, जिन्होंने बचपन से ही आर्टिस्टिक फॉर्म में बहुत रुचि दिखाई और अब इतना बेहतरीन कर रही हैं। आर्ट एक सबसे प्राचीन कला है, सबसे प्राचीन भाषा है हमारे आप समझिए दुनिया की। जब आप आदमी पूरा वो भी नहीं हुआ था और जब गुफाओं में रहता था, तब भी अपनी अभिव्यक्ति दीवारों पे ड्राइंग करके बढ़ता था। और सबसे पहली भाषा इस हमारे सारी दुनिया की वही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज भी इसे क्या कह सकते हैं, या लैक ऑफ उनको जो परवरिश होती है, जो पेरेंट्स नहीं समझा पाते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आर्ट को हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है सोसाइटी से। वो यही हो गया है ना कि एक हमारी एक थोड़ी सी थोड़ा हम लोग पिछड़े, एक तो इकोनॉमिक हमारा प्रॉब्लम प्रेशर है ही हमारी कंट्री में थोड़े से पिछड़े हुए हैं। फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन आ गई, अब साइंस का ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया कि साइंस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और यही है दिमाग में अब पेरेंट्स के भी भर गया कि बस बच्चों ने डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है या उन्होंने ये बना है। धीरे धीरे वो एक एक ही तरफ होते जाते हैं और जो विद्या और जो ये सारी चीजें वो पीछे होती जा रही हैं। तो मैम आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए ऐसी लुप्त होती चीजों को जो हमारी परंपरा से चलती आ रही है। हमने देखा हमारे टाइम से, फोर फादर्स के टाइम से जो आर्ट है वो काफी सराही जाती थी, लेकिन अब सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो है ही। अब आप चाइनीज स्क्रिप्ट देखो तो एक तरह से आर्ट ही है। चाइना जापान वो तो अभी तक व्यक्त करते हैं आप चित्रकारिता के तंत्र। हम लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं कि हम सब मशीन बनाने के चक्कर में, पैसा कमाने की मशीन। हमारे बच्चे अब बच्चे नहीं रह गए, हम माँ बाप के लिए बच्चे नहीं लगे, बस बड़ा होगा और कमाएगा। ये एक भावना बहुत उससे आपके बच्चों के ऊपर कितनी प्रेशर पड़ रहा है, कितना वो सफर करते हैं आप ये नहीं समझते हैं। आप उनको एक घुसाना चाहते हैं एक जगह, पर वो नहीं है। कुदरत ने हर एक को अलग बनाया, हर एक फूल अलग खिलता है, हर एक फूल की अपनी अभिव्यक्ति है। उसको सराहिए, अपने बच्चे को पहचान करिए और उसको फिर प्रेरणा दीजिए। तो ये थी अंजलि जैन, जिन्होंने बताया कि जो आर्ट जो है एक फॉर्म है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसको बोरिंग ना समझे और इसको बढ़ावा देना चाहिए। सरकार से भी वो यही चाहती हैं कि जो जहाँ जहाँ जो सब्जेक्ट लुप्त होते जा रहे हैं, जहाँ पे आर्ट नहीं है वहाँ पे भी आर्ट फॉर्म लाई जाए और बच्चों के अंदर प्रोत्साहन किया जाए आर्ट के लिए, ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो सके। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।